कक्षा 6 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आपको गणित विषय का अध्ययन करा रहा हूँ, आज हम एक नए लेसन का शुरू करेंगे। नए लेसन का नाम है प्रारंभिक आकारों को समझना। प्रारंभिक आकारों को समझना या उनकी स्थितियों को समझना, तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है क्या कह रहा है ये। इसके अंदर मैंने 2-3 परिभाषाएं लिखी है। पहली है रज्जु कोण। क्या है? रज्जु कोण। रज्जु कोण किसको बोलते हैं? 180 डिग्री की जो रेखा होती है या 180 डिग्री का जो कोण बनता है उसको हम रज्जु कोण बोलते हैं। 180 डिग्री के कोण को रज्जु कोण बोलते हैं। और यहां मैं नीचे लिखा है कि उत्तर से दक्षिण तक घूमना 2 समकोणों के बराबर घूमना है। अभी नीचे में लिखा है दिशाओं का नाम क्यों लिखा, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। यानी उत्तर से दक्षिण तक घूमना 2 समकोण, एक समकोण में कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। तो 2 समकोण कितने हो गए? 90 90, 180 डिग्री के बराबर घूमना है। फिर मैंने लिखा संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण मतलब संपूर्ण जितने भी कोण होते हैं पूरा एक कोण, वो होता है 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। लेकिन यहां मैंने लिखा ब्रैकेट में 2 रज्जु कोण। एक रज्जु कोण का मतलब हो गया 180 डिग्री, तो 2 रज्जु कोण के मतलब कितने हो गए? 180 180 दो बार, तो 360। फिर लिखा मैंने 4 समकोण। एक समकोण में होता है 90। कितना होता है? 90। तो 4 समकोण में कितने हो गए? 360 को संपूर्ण कोण कहते हैं। फिर मैंने लिखा है घूर्णन। एक घूर्णन क्या होता है कि एक ही दिशा में 2 रज्जु कोण या 4 समकोण घूमने पर एक चक्कर पूरा हो जाता है, यह एक चक्कर एक घूर्णन कहलाता है। अब ये कैसे, इनको ध्यान से देखिए। ये मैंने पहली आकृति बनाई है, तो आपको पता ही है कि हम जब दिशाओं का ज्ञान करते हैं तो हम एक ये दिशाएं बनाई हमने। ऊपर ही ऊपर क्या होता है? उत्तर, जिसको अपन बोलते हैं नॉर्थ। इसको एन के द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसके द्वारा? एन के द्वारा। उत्तर के ठीक नीचे होता है दक्षिण, जिसको अपन बोलते हैं साउथ। इसको हम एस के द्वारा व्यक्त करते हैं। इसके द्वारा? एस के द्वारा। दाएं तरफ पूर्व, जिसको हम ई के द्वारा व्यक्त करते हैं। और बाएं तरफ होता है पश्चिम। क्या होता है? पश्चिम। और इसको हम डब्लू के द्वारा व्यक्त करते हैं। ये दिशाओं का ज्ञात करने का तरीका है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि ऊपर की तरफ हमेशा क्या होता है? ऊपर की तरफ हमेशा उत्तर यानी एन नॉर्थ होता है, तो इसको हम साउथ एन के द्वारा व्यक्त करते हैं। उत्तर के ठीक नीचे क्या होता है? दक्षिण। इसको साउथ, इसको हम एस के द्वारा व्यक्त करते हैं। दाएं तरफ पूर्व, इसको अपन ईस्ट बोलते हैं, इसको ई के द्वारा व्यक्त करते हैं। अब ये पश्चिम, वेस्ट, डब्लू के द्वारा व्यक्त करते हैं। अब इन स्थितियों को यहाँ समझना है कि यहाँ स्थितियाँ क्यों बनाई गई है। मान लीजिए कोई व्यक्ति एन की तरफ मुंह करके खड़ा है, उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है, तो आपको क्या करना है? घड़ी की दिशा में घूमना है। अब जैसे मैं ऐसे खड़ा हूँ, अब मैं इधर आऊँगा तो ऐसे घूमना पड़ेगा मेरे को, सामने। कितना घूमा? सामने। जैसे मैं यहाँ खड़ा था अभी एन की तरफ, अब एन से मैंने टर्न लिया और मुंह उत्तर की तरफ मुंह था, अब मैं इधर घुमा तो किधर हो गया? ये ईस्ट। यानी मैं यहाँ इधर इस एन की तरफ मुंह करके खड़ा हूँ, अब मैं यहाँ से घूमूंगा तो मान लीजिए मैं घूम के अब मेरा मुंह इधर हो गया। अब मैं ई, पहले ऐसे खड़ा था मैं एन की तरफ उत्तर की तरफ, अब मैं ऐसे घुमा, अब कहाँ आ गया? ईस्ट के अंदर आ गया। क्या आ गया? ईस्ट में आ गया। तो मैंने कितनी, मैंने तो गोल जितनी मैंने घुमाई की वो घुमाई कितनी होगी? एन से लेके ई तक। अब यहाँ देखिए, समझाने का, इसमें समझने का मेन चीज क्या है? जैसे कि ये सीधी रेखा, आपको पता है कि सीधी रेखा पर जो भी कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का। कितने का बनता है? 90 डिग्री का, ठीक है। अब ये मान लीजिए मैंने एक पूरा घेरा बना दिया इसके ऊपर और मैं यहाँ खड़ा हूँ बीच में, एकदम बीच में था क्रॉस है, और मेरा मुँह कहाँ है? एन की तरफ। अब मैं यहाँ से घूमा और मेरा मुंह नॉर्थ से सीधा कहाँ हो गया? ई की तरफ।
कितना हो गया ई की तरफ। तो यहाँ आपको पता है कि सीधी रेखा पर हमेशा 90 डिग्री बनता है। तो मैं कितना घुमा, जैसे लिखा था ना चार समकोण, तो इसके अंदर कितने समकोण बनते हैं, चार, एक फिर ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, यानी मैं चार समकोण, यानी पहला राउंड जो मैंने लिया कितना लिया, एक समकोण के बराबर हो गया। कितना हो गया, एक समकोण के बराबर। दूसरा राउंड अगर मैं घूमू तो दो समकोण, फिर इधर आया तो तीन समकोण और यहाँ आया तो चार समकोण। कितने समकोण बन गए, चार, इसलिए यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिखा था चार समकोण। अब इसको रज्जु कोण के हिसाब से देखें तो ये प्लस, अब मैं नॉर्थ में था यानी ये स्थिति थी नॉर्थ की, तो इतना तो आपको अभी तक समझ में आ गया कि मैं कितना घूम गया, एक समकोण के बराबर घूम गया। और ये कौन सा हिस्सा हुआ, किसी भी आकृति का चौथा भाग, चौथा ही भाग, एक बट्टा चार। कैसे, ये अगर पूरा गोला बने तो कितने खंड बनते हैं, देखो इसके अंदर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चार भाग हो गए इसके। कितने हो गए, चार भाग। तो किसी भी आकृति का पहला भाग चौथा हिस्सा होता है इसका, दूसरा हिस्सा कौन सा होता है, इसका आधा, तीसरा होता है तीन चौथे हिस्सा, और चार चौथा हिस्सा पूरा होता है, क्या बन जाता है, ये पूरा एक चक्कर बन जाता है, यानी जिसको अपन बोलते हैं एक घूर्णन। क्या बोलते हैं, एक घूर्णन। चौथा हिस्सा जैसे ही पूरा होगा क्या बन जाएगा, एक घूर्णन, जो हमने परिभाषा लिखी थी, एक घूर्णन, एक ही दिशा में दो रज्जुकोण या चार समकोण घूमने पर। अगर मैं यहाँ पहला घूमा, जैसे बताया मैंने आपको, मैं यहाँ से था और मेरा मुंह अब इधर हो गया, तो ये एक समकोण के बराबर हो गया। कितने समकोण के बराबर, एक समकोण के बराबर, और मैं कितना हिस्सा घूम गया, एक बट्टा चार। अब मान लीजिए मेरा मुंह उत्तर की तरफ है और मैंने घूमना शुरू किया, तो मैंने ये पहला पड़ाव पार किया और ये दूसरे की तरफ आ गया इसे, यानी मान लीजिए ऐसे खड़ा हूँ मैं सीधा और एकदम पीछे घूम गया इसे, तो कितना घूमा मैं, यानी ऐसे घूम के आधा चक्कर पूरा हो गया मेरा। कितना हो गया, आधा चक्कर पूरा हो गया। तो उसी प्रकार मैंने एन से लेके एस तक घूमा तो कितना चक्कर पूरा हुआ मेरा, आधा। तो मैंने बताया था आपको यहाँ पर क्या बनता है, 90 डिग्री का कोण, तो फिर यहाँ भी नीचे भी कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो 90 कितनी बार घूम गया मैं, दो समकोण के बराबर घूम गया। कितने बराबर घूम गया, दो समकोण के बराबर। और टोटल टर्न कितना ले लिया मैंने, दी गई आकृति का आधा। जैसे बताया मैंने आपको, पहला हिस्सा एक बट्टा चार होता है और दूसरा, और अगर पूरे इतना घूम गया तो कितना हो गया, एक बट्टा दो हिस्सा घूम गया, दी गई आकृति का एक बट्टा दो। तो ये एक बट्टा दो आ गया और दो समकोण के बराबर। यहां पर तो हुआ था एक समकोण, यानी एक समकोण के बराबर, या दी गई आकृति का एक बट्टा चार भाग। इसके अंदर कितना घूमा मैं, दो समकोण के बराबर, इसके बराबर दो समकोण, और दो समकोण को हम क्या बोलते हैं, 180 हो गया, तो इसको हम बोलते हैं रज्जु कोण, यानी रज्जु कोण के बराबर मैं घूम गया, या किसी आकृति का एक बट्टा दो हिस्सा, किसी आकृति का एक बट्टा दो हिस्सा। अब मान लीजिए मेरा मुंह एन की तरफ है, किसकी तरफ है, एन की तरफ, यानी मैं ऐसे खड़ा हूँ। अब मुझे घूमना है तो एक चौथाई घूम चुका हूँ, एक बट्टा दो घूम चुका हूँ, अब मैं घूमूंगा तो मेरे ऐसे घूम गया मैं। अब मेरा मुंह किधर हो गया, कहाँ हुआ, पश्चिम की तरफ। तो कितना हिस्सा घुमा मैं किसी आकृति का, कितना घुमा, तो देखिए चित्र के अंदर, यानी मेरा मुंह अभी उत्तर की तरफ है। अब मैंने यहाँ से घूमा, पहला पड़ाव, ये दूसरा और ये तीसरा, यानी इतना घूम गया मैं, और मेरा मुंह उत्तर की तरफ जो था वो कहाँ हो गया, किधर हो गया, पश्चिम की तरफ। तो पश्चिम कौन सा, ये पहला हिस्सा एक बट्टा चार, दूसरा एक बट्टा दो, ये तीसरा हिस्सा कितना होता है, किसी भी आकृति का तीन बट्टा चार हिस्सा। यानी मैं गोल वृत्त के अंदर घूमू वापस, यानी गोल वृत्त ही बन रहा है। देखिए यहाँ पे पहला हिस्सा एक बट्टा चार घुमा था, फिर ये दूसरा हिस्सा एक बट्टा दो घुमा, अब मैं, मेरा मुख उत्तर से कहाँ हो गया, पश्चिम की तरफ। तो मैं दी गई ये जो आकृति दे रखी है इसका मैं कितना घूम गया, तीन बट्टा चार। अब तीन बट्टा चार, तो देखिए बताए, ये पहला समकोण, फिर ये दूसरा समकोण और ये तीसरा समकोण, यानी मैं तीन समकोण के बराबर घूम गया। कितने समकोण के बराबर, तीन समकोण के बराबर, और ये जो आकृति दे रखी है इस आकृति का मैं तीन बट्टा चार हिस्सा तक घूम गया।
कितना घूम गया, 3/4। अब वापस समझिए मैं उत्तर की तरफ खड़ा हूं और मैं पूरा घुमा ऐसे था और वापस इधर आ गया, तो मैंने क्या किया, अभी आपके सामने एक चक्कर निकल गया मेरा पूरा, क्या निकल गया, एक राउंड निकल गया। यानी इसमें देख लीजिए आप, यानी यहाँ यहाँ था मैं, ऐसे घुमा और वापस अपनी स्थिति पे आ गया। कहाँ आ गया, वापस अपनी स्थिति पे आ गया। तो ये पहला समकोण, ये दूसरा समकोण, ये तीसरा समकोण और ये चौथा समकोण। यानी मैं जब पूरा राउंड लूंगा एकदम गोल, तो मैं कितने समकोण घूम जाऊंगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी मैं 4 समकोण के बराबर घूम गया। क्या घूम गया, 4 समकोण के बराबर। और रज्जु कोण के हिसाब से देखें तो ये दो हिस्से रज्जु कोण, एक पहला रज्जु कोण, दूसरा रज्जु कोण, तो मैं 2 रज्जु कोण के बराबर घूम गया। यानी 4 समकोण और 2 रज्जु कोण किसके बराबर होते हैं, एक संपूर्ण कोण के बराबर होते हैं। और संपूर्ण कोण कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। यानी जैसे मैं वापस स्थिति पर आऊंगा तो मेरा एक चक्कर पूरा हो गया, और एक चक्कर को हम क्या बोलते हैं, एक घूर्णन, क्या बोलते हैं, एक घूर्णन। तो इस आकृतियों को आपको ध्यान से देखना है और समझना है, फिर आगे दो सवाल आएंगे, वो सवाल इन्हीं स्थितियों के ऊपर आधारित है। और हमेशा घूमना कैसे, घड़ी की दिशा में, घड़ी कभी उल्टी नहीं घूमती है, घड़ी बाएं से दाएं की ओर ही चलती है, तो उसी स्थिति के अंदर आपको देखना है। वहां पर आपको घड़ी के सुबह नंबर दे रखे होंगे, फिर आपको पूछेंगे कि सुबह जो है 12 से 3 तक पहुंच गया, तो उसको घूमने में उसको कितना चक्कर पूरा करना पड़ा, इस प्रकार के सवाल आएंगे। आज आप स्थिति को देखिए, समझिए, और जैसे मैंने आपको बताया उसको समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।